बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन में दो ढोंगी बाबाओं के खिलाफ इस्मत दरी की कोशिश और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। चंद्रायनगुट्टा के साकिन एक खातून ने इलाज के नाम पर इस्मत दरी की कोशिश और धोखाधड़ी केस के जिम्मे में दो ढोंगी बाबाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिनकी शनाख्त हबीब मोहम्मद इदरीस और अबू बकर के नाम से हुई है। बहादुरपुरा पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया। बादजा खातून ने इस जिम्मे में मजीद तफसीलात बताई। दबा दिए मेरा और यहाँ वहाँ गलत हरकतें करना शुरू कर दिए। उसके बाद मैं बोली क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग, आ बल्कि बच्ची खमाने लगी तो बर्फ़ का पानी डाले मेरे ऊपर, बर्फ़ का पानी डाले। जब बच्ची भाग के आई क्या हुआ बोले तो वो बच्ची के साथ भी वही हरकतें करे। खैर हम अल्लाह के फजल से बच बचा के निकल गए, लेकिन हम जब दरख्वास्त किए वहाँ पर जाके बहादुरपुरे पे, तो वो लोग आके वो चम्पेट का MLA है कहते उसको लेके आया, वहाँ भी मत लेके आके इन लोगों की दरख्वास्त नहीं लेना। फिर भी वो लोग कॉपरेट करे, बहुत अच्छा हमारे संगा तो करी हुकूमत ने हमारे रिस्पेक्ट दिए, आए हमारे साथ। फिर भी ये किस्से हमारे पास सडन आना शुरू हुए कि इनके फर्जन हबीब मोहम्मद अलैदरुस, जो हबीब मुश्तबा अलैदरुस साहब के बड़े फर्जन हैं, ये मार्च के महीने में दुबई से यहाँ पर आए। आके लॉकडाउन था जब लोगों को कॉन्टेक्ट करें, लेकिन जब वो टाइम पे लोग नहीं मिल सके तो फिर भी उन्होंने बारकस में इलाज शुरू करे थे। लोगों को बुला के लोगों के साथ स्पेशली लेडीज़ के साथ में बहुत ही गलत हरकतें करना शुरू करे उन्होंने, और लोगों को लेडीज़ के साथ बदसलूकी करे, इसके मामले हमारे सामने आए। और इससे पहले भी थोड़े दिन पहले कबल जून जुलाई के महीने में एक लड़के के ऊपर, हबीब सोहेल नाम के लड़के के ऊपर उन्होंने बहुत खातिलाना हमला भी किया, जिसके बारे में प्रेस में आया भी था ये चीज़।